हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमें ये पता लग चुका है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जिनका कुछ मास है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उन सबको मैटर कहा जाता है। और यही जो मैटर है, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब यही जो पार्टिकल्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसी के बारे में आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो फिर चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को मिलके शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, मैंने यहां पे एक बीकर ली है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूं। अब ये जो पानी है, मैंने आपको बताया था पानी क्या है, मैटर है, और मैटर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये सारे ब्लू कलर के पानी को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस वाटर में मुझे सॉल्ट मिलाना है, नमक मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है उसको डाल दूंगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो पानी के पार्टिकल्स थे ब्लू कलर से, उन सब के बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस है, और इसी स्पेस में वो सॉल्ट के पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेंगे, और हम कह देंगे कि यहाँ पे जो सॉल्ट है वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। और इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपनी ये पार्टिकल्स के बीच में जगह बना ली, तो वाटर लेवल इंक्रीज भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास मैटर हो, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहां पे हमने देखा कि यहां पे जो वाटर है दोस्तों, वाटर एक मैटर है और इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थे। तो दोस्तों, इसी से हमारे पास जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसकी एक बहुत ही आसान सी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। काफी आसान थी दोस्तों। अब चलिए एक और कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। उसके लिए दोस्तों हम एक रूम में चलते हैं। अब यहां पे एक स्टूल है, स्टूल के ऊपर एक अगरबत्ती है। हम क्या करेंगे, इस अगरबत्ती के पास जाते हैं। चलिए, अब ये जो अगरबत्ती है, मैं इसको स्मेल करने की कोशिश करता हूं। मैं अगर इसको स्मेल करूंगा, मुझे हल्की सी यहां पे खुशबू आने लग जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वापस मैं अपनी पोजीशन पर चला जाता हूं। अब दोस्तों, मैं अगरबत्ती से काफी दूर हूं, क्या मुझे दूर खड़े होकर भी वो स्मेल आ रही है? नहीं दोस्तों, जब मैं पास गया था तब तो स्मेल आ रही थी, पर अब यहां दूर खड़े होकर मुझे वो खुशबू, वो स्मेल नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, चलिए, ये ऑब्जर्वेशन तो समझ आ गई। अब ऐसा करते हैं, अगरबत्ती के पास मैं वापस जाता हूं और अब इस अगरबत्ती को जला देता हूं। अब जो खुशबू है वो और ज्यादा तेज आ रही है, काफी अच्छी बात है। अब वापस अपनी पोजीशन पर जाता हूं। अब यहां पे मुझे खुशबू अभी भी आ रही है दोस्तों, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जब मैंने अगरबत्ती को नहीं जलाया था तब यहां तक खुशबू नहीं आ रही थी, पर अब आ रही है। ऐसा क्यों दोस्तों, सोचिए, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूं कि जो मैटर होता है, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, हमें पता है। यही जो पार्टिकल्स है ना, ये हमेशा दोस्तों मूव करते रहते हैं, ये अपनी पोजीशन पर खड़े नहीं रहते, बल्कि हमेशा हल्के हल्के मूव करते रहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब मैं अगरबत्ती के पास गया था और मैंने उसको नहीं जलाया हुआ था, सबसे पहले जब मैं गया था, तब दोस्तों पार्टिकल्स थोड़े थोड़े बाहर तो निकल रहे थे, है ना, तभी तो मुझे खुशबू आ रही थी पास जाके। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव तो करते रहते हैं, पर जैसे ही मैंने ये अगरबत्ती को जला दिया, वो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो तेज हो गई। और दोस्तों, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन इंक्रीज हो गया। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने बताया कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। दोस्तों, मूव करने की जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी काफी इंक्रीज हो जाती है जब हमने अगरबत्ती को जला दिया। दोस्तों, यहां पे जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तब जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा दूर तक मूव कर पाते हैं। मैं दूर खड़ा हूं, यहां तक भी मुझे खुशबू आ रही है। और दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से, मतलब कि अगरबत्ती को जलाने से, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, यानी कि पार्टिकल्स के दूर तक मूव करने का जो प्रोसेस है, वो काफी तेज हो जाता है। तो दोस्तों, इसी से हमारे पास पार्टिकल की एक और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आ चुकी है। वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन हीटिंग, कि जब हम उसको बर्न करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जब हम जलाते हैं, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन, यानी कि जो पार्टिकल्स के दूर तक मूव करने का जो प्रोसेस है, डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। तो देखिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमने स्टडी कर ली है। तो चलिए, अब इन्हीं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी कर लेते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ऐसा करेंगे, ये तीन चीजें लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉक लिया है
उसके बाद मैंने यहाँ पे रबर बैंड लिया है और लास्ट में मैंने लोहे की कील यहाँ पे रख ली है। टास्क ये है कि इन तीनों चीजों को तोड़ के दिखाना है। जो चौक है दोस्तों, उसको तोड़ना तो आसान है, सिंपली उसको नीचे गेरोगे या फिर उसको पैर से मार दोगे, पूरे उसका पाउडर बन जाएगा, क्रश हो जाएगा। काफी आसान था इसको तोड़ना। जो रबर बैंड है, उसके लिए हमें रबर बैंड को काफी स्ट्रेच करना पड़ेगा या फिर सीजर को यूज करके हम उसको कट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सीजर को यूज करना पड़ा है ना, या फिर उसको अच्छे से स्ट्रेच करना पड़ा, पर वो भी टूट जाएगा। जो लोहे की कील है, उसको तोड़ना दोस्तों मुश्किल है। क्या करें, कोई हथौड़ा हैमर यूज करेंगे तब भी काफी मुश्किल है। तो चलिए, यहां पे ये तो समझ आ गया कि किस चीज को तोड़ना आसान है, किस चीज को तोड़ना मुश्किल है। पर दोस्तों, ये फर्क क्यों एग्जिस्ट करता है? तीनों चीजें मैटर है, तीनों चीजों में ये जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना है। ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे, इनके बीच में स्पेसेस भी होंगे, ये सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहे होंगे। पर यहां पे ये डिफरेंस क्यों आया? ऐसा क्यों है कि चौक को तोड़ना आसान है पर लोहे की कील को तोड़ना मुश्किल है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये डिफरेंस इसीलिए आया क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा मैटर होता है जिसके अंदर वो कम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा मैटर होता है जिसमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब यहां पे होता कुछ ऐसा है कि देखिए, ये जो चौक था, चौक के सारे पार्टिकल्स अब तो हमने तोड़ दिए यहां पे, है ना, अब तो पूरा पाउडर बन गया। पर पहले ये सारे जो पाउडर के छोटे छोटे पीसेस हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से साथ में जुड़े हुए थे। हमने क्या किया यहां पे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए फोर्स का यूज किया, है ना दोस्तों, एक और फोर्स का यूज किया, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वो हमने यूज किया। तो यहां पे दोस्तों, जब मैंने पैर से उसको क्रश किया या हाथ से क्रश किया, नीचे गिरा, कुछ भी हुआ, तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने। और जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो टूट गया और सारे यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो गए, यहां पे छोटे छोटे हमारा पूरा पाउडर बन गया। जो यहां पे लोहे की कील है दोस्तों, लोहे की कील में यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हम ह्यूमंस या फिर किसी ऑब्जेक्ट से इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि लोहे की कील के अंदर है, उसको तोड़ सके। तो इसीलिए लोहे की कील को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इससे दोस्तों हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि सारी चीजों को जोड़ के रखने की हमें कोशिश करता रहता है। तो इसी से दोस्तों हम एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक डिराइव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलिए, आज के लेक्चर में हमें यह तो समझ आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कितनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। काफी मजेदार थी दोस्तों। अब इस चैप्टर में हमें आगे स्टडी करना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है वो सॉलिड भी होता है ना, जैसे कि हमने लोहे की कील ली थी, वो एक सॉलिड है, रबर बैंड सॉलिड है ना, ये सारी चीजें सॉलिड है। लिक्विड भी होता है, पानी एक मैटर है, और एयर दोस्तों, गैस भी एक मैटर ही है, हमने स्टडी किया था, उसका मास भी है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, वो भी एक मैटर है। तो ये जो मैटर है, ये अलग अलग स्टेट्स में क्यों एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन स्टेट्स में दोस्तों फर्क क्या है, ये चीज हमें स्टडी करनी है। तो इसीलिए इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PUSTAC ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।